मुझे बैरिक से बाहर भी नहीं निकलने देते, नवाज शरीफ की जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। आप मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, आपको सिक्योरिटी देते हैं, जेल सिक्योरिटी अहलकार का जवाब। इस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को तरक्की दी, मोटरवे बनाए, मुझे ये सिरा मिलना था, अब मईशत का बुरा हाल हो गया। मजीद तफसीला जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल राठौर से। दानियाल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहना था साबिक वजीर आजम का? आज बिल्कुल, कैदी नंबर 4470 साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में सिक्योरिटी अहलकार से गुफ्तगू हुई है। कोट लखपत जेल के सिक्योरिटी अहलकार ने नाम ना बताने की शर्त पर कैदी नंबर 4470 साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हालत और गुफ्तगू के हवाले से लाहौर न्यूज को आगाह करते हुए कहा है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बाहौसला शख्स हैं मगर अक्सर खामोश रहते हैं, अगर बात करें तो ज्यादातर अपनी बेबसी का रोना रोते रहते हैं। सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक मियां नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे जेल के बैरिक से बाहर नहीं निकलने देते, जिस पर पुलिस सिक्योरिटी एहलकार का कहना था कि आप मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहे हैं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, आपकी हफाजत हमारी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि इस मुल्क को तरक्की दी, मोटरवे बनाए, मुल्क को हमेशा बेहतर ही सोचा है, मगर मुझे यही सिला मिलना था, मुल्क कहाँ छोड़कर गए थे, अब मईशत का क्या हाल है। नवाज शरीफ ने हम मौजूदा हुकूमत पर भी कारकर्दगी पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा है कि तरीके इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहती है, तरक्की करता मुल्क अब वापिस जो है वापिस जाने की तरफ जाना शुरू हो गया, हमारे दौर में माशी सूरत हाल इस वक्त के पाकिस्तान से कदरे बेहतर थी। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने जो है मौजूदा हुकूमत पर तनकीद भी की है। दानियाल, शुक्रिया आपका।